नमस्ते। 28 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरीज और मन में एक सवाल, आखिर ये देश बना कैसे? ईयर 1947, ब्रिटिश ये डिसीजन ले चुके थे कि इंडिया को फ्री कर देंगे। जब ब्रिटिश ने डिसीजन लिया तो ब्रिटिश ने एक एक्ट पास किया जिसे कहा जाता है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ ईयर 1947, जिसमें यह लिखा था कि इंडिया का पार्टीशन होगा, इंडिया और पाकिस्तान नाम के दो देश बनाए जाएंगे। उसके साथ साथ हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि जो ब्रिटिश जब इस देश पे रूल करते थे तो ब्रिटिश के पास जो इंडिया था उसमें क्या क्या हुआ करता था। ब्रिटिश के पास जो इंडिया था उसमें कुछ पार्ट ऐसा था जिसमें ब्रिटिश डायरेक्टली रूल करते थे, तो कुछ पार्ट ऐसा था जिसपे कोई महाराजा रूल करते थे, और जहां महाराजा रूल करते थे उसे उन्हें प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था। अब इस तरह से देखा जाए तो ब्रिटिश जब इंडिपेंडेंस देने वाले थे इंडिया को, उस वक्त इंडिया में लगभग 550 से भी ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। 1947 का जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट था उसमें इंडिपेंडेंस के अलावा यह भी लिखा था कि जो प्रिंसली स्टेट्स होंगे उनके पास तीन ऑप्शंस होंगे। पहला ऑप्शन कि वो इंडिया को ज्वाइन कर ले, दूसरा ऑप्शन कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले, और तीसरा ऑप्शन कि वो इंडिपेंडेंट रहे। अब दूसरा सवाल हमारे माइंड में ये आ रहा है कि आखिर हम ऐसा क्यों चाह रहे हैं कि जो प्रिंसली स्टेट है वो इंडिया को ज्वाइन करे, या पाकिस्तान ऐसा क्यों चाह रहा था कि पाकिस्तान को ज्वाइन करे, यानी कुल मिला के हम ऐसा कोई भी नहीं चाह रहे थे कि ये प्रिंसली स्टेट्स आजाद रहे। क्या रीजन थे इसके पीछे के कि हम पूरे प्रिंसली स्टेट्स को एक करके एक देश बनाना चाहते थे? पहला रीजन हमें पता चलता है कि इंटीग्रिटी। अगर इंडिया के भीतर ही ऐसे कुछ पार्ट रहे जो आजाद रहे तो इंटीग्रिटी नहीं बनेगी, इंटीग्रेशन नहीं होगा। इंटीग्रेशन नहीं होगा तो उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन यूनिफॉर्म नहीं होगा। इसका मतलब हर एक राज्य में एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग देखने मिल सकता है, यानी यूनिफॉर्मिटी पूरे देश में कहीं भी देखने नहीं मिलेगी। ये तो बातें ठीक है, बट इसके अलावा मेन इश्यू जो था वो था इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटीज का। इस देश की सिक्योरिटी का सवाल था। अगर कोई प्रिंसली स्टेट आजाद है और वो बाहर के किसी फॉरेन के कंट्री से, अगर वो हम कहेंगे कि कोई पैक्ट साइन कर लेता है या कुछ डील कर लेता है, और बाहर की अगर फॉरेन कंट्री इंडिया पे अटैक करने का प्लान कर रही है, तो वो इस प्रिंसली स्टेट को यूज कर सकती है इंडिया के खिलाफ, क्योंकि वो इंडिया के ही एरिया का एक पार्ट है। तो हमें ये काफी मुश्किल जाएगा कि हम उसे किस तरह से हैंडल करें। इसलिए हम चाह रहे थे कि पूरे जो प्रिंसली स्टेट्स है वो कहीं ना कहीं ज्वाइन हो जाए और वो लोग इंडिपेंडेंट ना रहे। अब प्रॉब्लम कहां जा रही थी इंडिपेंडेंस के पहले की, अगर हम प्रॉब्लम देखें तो तीन ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जो इंडिपेंडेंस के पहले प्रॉब्लम में थे कि वो आजाद रहना चाहते थे। उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद तीन और ऐसे बनते हैं जो चाह रहे थे कि हम इंडिया को ज्वाइन ना करें, ना ही पाकिस्तान को, और हम आजाद रहे। सबसे पहले इंडिपेंडेंस के पहले जो राज्य ऐसे चाह रहे थे उनमें आते हैं जोधपुर, उनमें आते हैं भोपाल, और तीसरा आता है त्रावणकोर। त्रावणकोर, भोपाल और जोधपुर, ये तीन प्रिंसली स्टेट्स ऐसे बनते हैं आजादी के पहले जिन्होंने ये डिसीजन लिया था कि वो आजाद रहेंगे। इंडिपेंडेंस जब इंडिया को मिला, जब इंडिया फ्री हो गया, उसके बाद तीन प्रिंसली, ये जो तीन राज्य थे जिनके अभी मैंने पहले नाम लिए, ये तीनों ने इंडिया को ज्वाइन कर लिया। बट तीन राज्य ऐसे थे, तीन रियासतें हम कहते हैं जिनको, प्रिंसली स्टेट्स ऐसे थे जो अभी भी चाह रहे थे कि वो इंडिपेंडेंट रहे। उसमें से पहला आता है जूनागढ़, दूसरा आता है हैदराबाद, और तीसरा आता है कश्मीर। ये तीन लोगों के इशू अभी सॉल्व करने और बचे थे। अब अगला सवाल जो हमारे माइंड में आ रहा है वो ये है कि ये टास्क हमने पूरा कैसे किया इंटीग्रेशन का, प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में जोड़ने का। इसके लिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि 6 प्रिंसली स्टेट्स ऐसे दिख रहे हैं जो आजाद रहना चाहते थे, 3 आजादी के पहले और 3 आजादी के बाद भी चाह रहे थे कि वो आजाद रहे। तो ये जो टास्क था इंटीग्रेशन का, पूरा एक भारत बनाने का, ये टास्क दिया गया था हमारे पहले डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उन्होंने विद असिस्टेंस ऑफ वीपी मेनन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के सेक्रेटरी थे वीपी मेनन, उनके साथ मिलकर ये टास्क पूरा करना शुरू किया। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसे कहा जाता है प्रीवी पर्सेस।
अब प्रीवी परसेस क्या होता है? प्रीवी परसेस आप जनरल इसमें याद रखिएगा, प्रीवी परसेस यानी एक एग्रीमेंट होता है कि हम आपको रॉयल पेमेंट करते चलेंगे, हम आपको कुछ पेंशन, कुछ सैलरीज, कुछ पेमेंट करेंगे, जो भी रॉयल पेमेंट जिसे कहेंगे, जो प्रिंसली स्टेट्स इंडिया को ज्वाइन करेंगे उनको। यानी एग्रीमेंट कैसा है कि आप इंडिया को ज्वाइन कीजिए और आपको हम पेमेंट करते रहेंगे। अब आप तो जानते हैं जो प्रिंसली स्टेट्स के अभी भी जो जनरेशन चल रही है इन महाराजाओं की, उनको आज भी पेमेंट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। अब ये प्रीवी परसेस के चलते काफी सारे प्रिंसली स्टेट्स वैसे भी इंडिया को ज्वाइन करने वाले थे, बट जब ज्वाइन करना होगा तो एक इंस्ट्रूमेंट साइन करना होता था और उस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इसका मतलब इंडिया में आप शामिल कर दिए गए हो। सो आइए अब हम देखते हैं कि एक एक करके ये छह प्रिंसली स्टेट्स किस तरह से इंडिया को ज्वाइन करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे त्रावणकोर की। त्रावणकोर एक सदर्न मैरिटाइम इंडियन स्टेट है जिसके उस वक्त दीवान रहा करते थे सर सीपी रामास्वामी अय्यर। सर सीपी रामास्वामी अय्यर ये चाहते थे कि त्रावणकोर एक इंडिपेंडेंट स्टेट रहे। ऐसा कहा जाता है कि उनके कुछ सीक्रेट टाइज थे ब्रिटेन के साथ, ब्रिटेन उनका यूज करना चाहता था, बट धीरे धीरे एक इंसिडेंस हुआ जिसमें उनके ऊपर एक असैसिनेशन का अटेम्प्ट किया गया। वो जो अटेम्प्ट किया था वो एक मेंबर जो है केरला सोशलिस्ट पार्टी के, उनके द्वारा अटेम्प्ट किया था कि उन्हें असैसिन कर दे, और उसके बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया कि मैं इंडियन डोमिनियन को, इंडिया को ज्वाइन कर लूंगा, और उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन। अब अगला जो स्टेट है जिसकी हम बात करेंगे वो है जोधपुर। जोधपुर एक ऐसा प्रिंसली स्टेट हुआ करता था जहां पे मैक्सिमम पॉपुलेशन हिंदू थी और वहां के किंग भी हिंदू हुआ करते थे, बट उसके बावजूद ये सवाल उठ रहा था कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन क्यों करना चाहते थे। अब यहां पे देखिए कि वहां के जो हिंदू किंग थे उनका नाम था हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह ये चाह रहे थे कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले। ऐसा माना जाता है कि उनको पाकिस्तान की तरफ से बहुत अच्छी ऑफर मिली थी मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से। अब जब हमें ये पता चला कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते, तो हमें सबसे पहले ये माइंड में आता है कि अगर वो जोधपुर जो होता है वो अगर पाकिस्तान को ज्वाइन कर लेगा तो बॉर्डर सिक्योरिटी के कुछ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। इसीलिए हमने बहुत अच्छे ऑफर, जो वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने काफी अच्छे ऑफर हनुमंत सिंह के सामने रखी कि आपको हम काफी सारी हेल्प करेंगे। जिस तरह से एक एग्जांपल हम ले तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये कहा था कि जब आपके यहाँ कोई भी क्राइसिस हो या फिर जब कोई फेमाइन आ जाता है तो हम आपको कुछ फूड सप्लाई करके आपकी हेल्प करते रहेंगे। इस तरह की काफी सारी चीजें हमने उनके सामने ऑफर्स रखी और जिसके चलते फाइनली जोधपुर ने इंडिया को ज्वाइन कर लिया बाय साइनिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अगले राज्य की जो हम बात करेंगे वो है भोपाल। भोपाल एक ऐसा प्रिंसली स्टेट था जहां पे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन हिंदू हुआ करती थी और वहां के जो रूलर थे वो मुस्लिम थे जिनका नाम था हमीदुल्ला खान। हमीदुल्ला खान ये चाहते थे कि वो इंडिपेंडेंट रहे। इस बारे में उन्होंने माउंटबेटन को भी एक तरह से इन्फॉर्म किया था कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, बट धीरे धीरे जब उन्होंने सिचुएशन देखी कि बहुत सारे जो उनके सराउंडिंग के भी जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो इंडिया को ज्वाइन कर रहे हैं, तो उन्होंने भी ये डिसीजन ले लिया कि मैं इंडियन डोमिनियन को ज्वाइन कर लूंगा, और उन्होंने भी आखिरकार इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर दी गई और फाइनली भोपाल भी इंडिया का पार्ट बन गया। अभी जो हमने तीन प्रिंसली स्टेट को स्टडी किया वो इंडिपेंडेंस के पहले इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर चुके थे और इश्यू इंडिपेंडेंस के पहले ही रिजॉल्व हो चुका था, बट तीन प्रिंसली स्टेट ऐसे थे जो इंडिपेंडेंस के बाद भी इंडिया को ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। उसमें हम सबसे पहले ऐसे प्रिंसली स्टेट की बात करते हैं जो कि सबसे ज्यादा रिचेस्ट प्रिंसली स्टेट उस वक्त का माना जाता है, और उस प्रिंसली स्टेट का नाम है हैदराबाद। जो प्रिंसली स्टेट था हैदराबाद का वो लार्जेस्ट पोर्शन डेक्कन प्लेटू का कवर करता है। हैदराबाद में निजाम रहा करते थे। निजाम जो थे उनका उस वक्त के उनका नाम था मीर उस्मान अली। मीर उस्मान अली हैदराबाद को एक इंडिपेंडेंट स्टेट रखना चाहते थे और ऐसा कहा जाता है कि उनको जिन्ना का भी सपोर्ट था। ये सब चीजें होने के बावजूद जो निजाम थे वो अपनी आर्मी को एक्सपांड कर रहे थे और इंपोर्ट भी कर रहे थे आर्म्स इंग्लैंड से या ब्रिटेन से। अब इन सब चीजों के चलते इंडिया को एक थ्रेट, सिक्योरिटी का एक थ्रेट हो चुका था हैदराबाद से, और इन चीजों को रोकने के लिए इंडिया ने 1948 में ऑपरेशन पोलो शुरू किया, जिसके चलते इंडिया के कुछ ट्रूप्स
हैदराबाद में भेज दिए गए फॉर एक्सेशन, और चार दिन तक लगभग यहाँ पे ये जो ऑपरेशन है ये चला। आखिरकार निजाम ने सबमिट कर दिया और निजाम के सबमिशन के बाद हैदराबाद इंडिया का पार्ट बन गया। स्टेट ऑफ हैदराबाद इंडिया का एक पार्ट बनने के बाद निजाम के सबमिशन के चलते उन्हें एक रिवॉर्ड दिया गया और उनको हैदराबाद स्टेट का गवर्नर भी बना दिया गया। इस तरह से हैदराबाद भी इंडिया में। उसके बाद हम जिस प्रिंसली स्टेट की बात करते हैं वो है जूनागढ़। जूनागढ़ आज गुजरात का एक पार्ट है। उस वक्त जूनागढ़ जो इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ काठियावाड़ स्टेट्स थे उसमें से एक हुआ करता था। ये जो प्रिंसली स्टेट था यहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन मेजॉरिटी में थी और यहाँ पे जो रूल करते थे वो थे नवाब मोहम्मद महबत खंजी थर्ड। जो वहां के नवाब थे जूनागढ़ के, उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लेंगे। जूनागढ़ के अंदर और भी दो स्टेट्स आते थे, एक था मंगरोल और एक था बाबरियावाड़। मंगरोल और बाबरियावाड़ ने जूनागढ़ के नवाब की ये डिसीजन सुन के कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं, उन्होंने इंडिया को ज्वाइन करने का फैसला लिया और उन्होंने ये कहा कि हम खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर रहे हैं फ्रॉम जूनागढ़। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ इंडिपेंडेंट फ्रॉम जूनागढ़ और उन्होंने डिसीजन लिया कि वो इंडिया को ज्वाइन कर लेंगे। इन सब चीजों के कारण नवाब ने अपनी आर्म फोर्सेस भेजी इन दो स्टेट्स में, मंगरोल में और बाबरियावाड़ में, और उन्होंने इन दोनों स्टेट्स को फिर से ऑक्यूपाई कर लिया। अब जूनागढ़ के नवाब का ये हार्श एक्शन अगेंस्ट दोज टू स्टेट्स जिनको हम कहेंगे मंगरोल और बाबरियावाड़, इंडिया के गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि हम यहाँ पे कुछ स्टेप लेंगे। इंडिया के गवर्नमेंट ने जो भी सप्लाईज थे फ्यूल और कोल के जो जूनागढ़ को इंडिया से जाते थे उन्हें कट ऑफ कर दिया। ये बंद कराने के बाद इंडिया ने कुछ ट्रूप्स भेजे और मंगरोल और बाबरियावाड़ जो है उसे रीऑक्यूपाई, फिर से इंडिया ने उन्हें ऑक्यूपाई कर लिया। अब इंडिया ने जब इन्हें ऑक्यूपाई कर लिया उसके बाद अब आर्मी इंडिया की पहुंच चुकी थी। इन चीजों को देखते हुए पाकिस्तान ने इंडिया से बात करने की, डिस्कशन करने की यहां पे एक डिमांड रखी। ये जो डिस्कशन थे ये प्लेबिसाइट पे होने वाले थे कि प्लेबिसाइट को किस तरह से जूनागढ़ में यूज किया जाए। अब पाकिस्तान ये डिस्कशन क्यों करना चाहता था, क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता था कि इंडिया ने जो ट्रूप्स भेजे उन्हें इंडिया विड्रॉ कर दे। इन सब चीजों को देखते हुए जो नवाब था जूनागढ़ के, वो नवाब वहां से भाग गए पाकिस्तान में अपने फैमिली के साथ और उन्होंने जो भी ट्रेजरी था स्टेट का वो भी खाली कर दिया और वो लेके चले गया पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जाने के बाद यहाँ पे जो जूनागढ़ का कोर्ट था ये कोलैप्स हो गया क्योंकि यहाँ नवाब ही नहीं बचा। और फाइनली ये देख के कि नवाब भाग चुका है, कोर्ट कोलैप्स हो चुका है, वहां ये डिसीजन लिया गया जूनागढ़ में कि इंडिया को, इंडियन गवर्नमेंट को बुलाया जाए इंटरवीन करने के लिए कि क्या हो आगे। इंडिया की गवर्नमेंट आती है और वो ये डिसीजन लेती है कि प्लेबिसाइट का यूज करके, यानी प्लेबिसाइट मैंने, यानी मैं आपको बता चुका कि लोगों को पूछा जाएगा कि वो क्या चाहते हैं। अब लोगों ने ये डिसीजन, ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात थी कि लोग यही चाहने वाले थे कि वो इंडिया को ज्वाइन करे। फाइनली प्लेबिसाइट यूज किया गया, लोगों ने इंडिया को ज्वाइन करना ये ठीक समझा और फाइनली जूनागढ़ जो था ये भी इंडिया में शामिल करा दिया गया और जूनागढ़ भी इंडिया का एक पार्ट बन गया। उसके बाद फाइनली हम जिस प्रिंसली स्टेट की बात करने वाले हैं वो है कश्मीर। तो चलिए कश्मीर किस तरह से इंडिया का पार्ट बना ये देखते हैं। कश्मीर एक ऐसा स्टेट है जहां पे जो पॉपुलेशन थी, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन वो मुस्लिम्स हुआ करती थी और वहां के जो रूलर थे उनका नाम था महाराजा हरि सिंह जो कि हिंदू थे। अब जब महाराजा हरि सिंह के सामने ये सवाल उठता है कि वो इंडिया को ज्वाइन करेंगे या पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे या इंडिपेंडेंट रहेंगे, तो उन्होंने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया था पाकिस्तान और इंडिया के साथ, जिसमें उन्होंने ये कहा था, स्टैंड स्टिल यानी कि मैं कुछ टाइम लेना चाहता हूं अपने डिसीजन के लिए। अब ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट होने के बावजूद भी पाकिस्तान के ट्रूफ ने कश्मीर पे अटैक कर दिया। कश्मीर पे अटैक करने के कारण कश्मीर की आर्मी वीक थी एज कंपेयर टू पाकिस्तान आर्मी। महाराजा हरि सिंह ने इंडिया को हेल्प के लिए कहा कि इंडिया उनकी हेल्प करे ताकि पाकिस्तान के ये जो अटैक है इससे वो बच पाए। इंडिया ने ये कहा कि ठीक है हम आपकी हेल्प करेंगे, बट उसके लिए आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना होगा। आखिरकार महाराजा हरि सिंह और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, या फिर हम कहेंगे इंडिया, इंडिया और कश्मीर के बीच में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया गया, बट कश्मीर को फुल फ्लेज स्टेट यहां पे
इंडिया के अंडर आने वाला फुलफ्लेज स्टेट ना बनाने बनाते हुए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू तीन ही चीजें इंडिया के अंडर रखी थी, एक था एक्सटर्नल अफेयर्स, एक था कम्युनिकेशन और तीसरा था डिफेंस। ये तीनों भी इंडिया के जुरिस्डिक्शन में आ जाता है। फाइनली डिफेंस होने के कारण इंडिया के ट्रूप्स कश्मीर में ला लिए गए और पाकिस्तान का ये जो अटैक था इसे खत्म कर दिया गया और इंडिया में ये जो कश्मीर था ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के चलते शामिल करा दिया गया। कश्मीर को इंडिया में शामिल करा देने के बाद एक आर्टिकल 370 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया जो कि ये कहता था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कश्मीर पे अप्लीकेबल ना होते हुए कश्मीर का एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन होगा। धीरे धीरे आर्टिकल 370 को भी एबॉलिश कर दिया गया और आज कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। सो इस तरह से आज जो आपको इंडिया देखने मिल रहा है वो एक एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर करके कुछ प्रिंसली स्टेट के साथ बनाया गया है। सो इसी तरह हम अगले वीडियो में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।